आदाब नाजरीन, आई एन ई टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी ने आज जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी के कई इलाकों का दौरा करते हुए वहाँ के अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उनके हमरा मजलिस कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने जिन इलाकों का दौरा किया उनमें मीनार कॉलोनी, अली नगर, जमील कॉलोनी, एराकुंटा, शाहिज और ईदगाह वादिया मुस्तफ़ा वगैरह शामिल थे। जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी का जो एरिया है उसके मुख्तलिफ डिवीज़नों में आज दौरा किया गया। हमारी तय मजालिस के सुदूर मतमदीन कारकुनान मजालिस इब्तदाई उसमें शरीक थे। एम एस आई साहब, उमर फाम साहब, दीगर लोग यहाँ पर मीनार कॉलोनी से दौरे का आगाज़ हुआ। वहाँ से शाहिल्स गए, एराकुंटा, वादिया मुस्तफ़ा, जलपल्ली ईदगाह। ये जलपल्ली ईदगाह में नकीब मिलत बैरिस्टर सदरी साहब, सदर मजलिस पार्लियामेंट ने 2005 में ईदगाह का संग बुनियाद रखा था। वो ईदगाह के अतराफ़ में एक बड़ी वसी और अराजी है जहाँ पर खबरस्तान बसाया गया और इसको इसके तहफ़ का यहाँ के लोग मुतालबा करें कि हिसारबंदी के ज़रिए इस कब्रस्तान का तहफ़ किया जाए, ईदगाह का भी तहफ़ होना चाहिए। और दीगर बस्तियों में जिसमें अली कॉलोनी भी शामिल है वहाँ पर ड्रेनेज के पानी के मसाइल है, तमाम मसाइल को नोट किया गया। इंशाल्लाह जितना हो सके जल्द इन इलाकों में पहले पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। जो लोग डीडियाँ भरे हैं उनको पहले पानी सरबरा करेंगे, बाकी लोगों की डीडियों को भी यहाँ पर दाखिल करवाएंगे। एरिया में काउंटर कायम करवा के ये काम करेंगे। उसके बाद ड्रेनेज का काम है और SW ड्रेन का आखिरी में आते हैं, रोडों का काम होगा इंशाल्लाह। ये तमाम कामों की रिपोर्ट इस दौरे की सदर मजलिस लतीफ़ मिलन असदुद्दीन साहब को पेश की जाएगी और सर साहब की हिदायत पर यहाँ के आहिस्ता आहिस्ता तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। मुसलसिल इस इलाके की पसमानदगी को दूर करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब काफ़ी फ़िक्रमंद हैं। इंशाल्लाह उनकी सरपरस्ती में जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर मसाइल को हल कराती आई है, आइंदा भी हल करते रहेंगी और यहाँ के लोगों को राहत पहुँचाएंगी। शुक्रिया। खड़े रहेंगे मजलिस के, उनको बजट ज़्यादा मिलता है, काम ज़्यादा हो सकते हैं और उससे हट के जनरल बजट से जैसा असद साहब 14 फाइनेंस कमीशन के बजट से कराए और मिशन भगी ने चार से कराए। असद साहब अपनी तरफ से यहाँ कोई काउंसलर नहीं, MLA ने उसके पास उनकी मजदूरियाँ लेके पानी के टांकियों का कुछ काम कराया। अब जो इलेक्शन आ रहा है वो इलेक्शन हमारी जमात के अच्छे होते हैं इसलिए कि यहाँ पहली वक्त काउंसलर मुंतखब होंगे। MPDC बजट देने का वो थोड़ा बजट है, काउंसलर को बजट अच्छा, वो बजट से काम ज़्यादा होते हैं इन्हें में। सबसे पहले पानी का काम करेंगे, बात करेंगे, जो लोग डीडियाँ भरे पहले उन लोगों को कनेक्शन दिलाएंगे, उनको पानी दिलाएंगे और जो बाकी के हैं वहाँ चुनके आपसे काटना एरिए में डाल के डीडियाँ बना के भर के उनको भी पानी का इंतजाम करेंगे। पहले पानी का करेंगे, उसके बाद ड्रेनेज का है, यहाँ भी मोदियों की ज़रूरत है, पहले ड्रेनेज का करेंगे, आखिर में रोडों का आता नहीं तो रोड डाल के फिर ड्रेनेज को खोदना फिर रोड खराब करना नहीं। बारिश के दिन आए डांबर का काम नहीं होता, रोड पड़ते भी नहीं अक्टूबर तक, अक्टूबर के बाद रोड अच्छे होंगे। अब जो इलेक्शन आ रहा है वो हमारे लिए ज़रूरी है, हम अपने लोगों को ज़्यादा कामयाब करें, बजट हमारा बढ़ता है हमारे एरिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।